फ्रेंड्स बनाएंगे मसाला दलिया। उसके लिए हमने आधा कप लिया दलिया भुना हुआ, और दलिया हमेशा जब भी आपके पास आए कच्चा तो उसे भून कर रख ले, फटाफट बन जाता है, क्योंकि भूनने का झंझट नहीं होता है। पानी में डाला, दाल डाली और फटाफट बन गया। अगर ऊपर हम बनाने वाले मसाला तो ये आधा कप तो दलिया हो गया है, और यहाँ पर आधा कप हमने भीगी हुई दाल ली है। इक्वल लेंगे, इक्वल लेते तो बहुत मज़ा आता खाने में। और यह गैस पे हमने पानी चढ़ा दिया, बॉयल, देखिए बॉयल बबल आ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने ये जो ग्लास होते हैं, ये 2 ग्लास पानी डाला है, करीब 500 ml पानी होगा ये, और अब भी इसमें पानी और डलेगा बाद में। तो पहले हम इसमें दलिया ऐड कर देते हैं गर्म पानी में, और इसको चलाते हैं। और जो हमने दाल लिए हैं, वो दाल हमने करीब 15 से 20 मिनट भिगो के रखी थी, पर अभी दाल नहीं डालेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे थोड़ा सा दलिए को फूलने देते हैं हम। तो यहाँ देखिए दलिए में बबल भी आ गए हैं, और दलिया हमारा हल्का सा फूलने लगा, ये देखिए फूल गया है। अब इसमें हम दाल ऐड कर देते हैं, और एक बार मिक्स करके अब यहाँ हमें पूरा 1 गिलास पानी और डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 2 आलू छोटे छोटे काट के, ये देखिए आलू होते हैं मिक्स। आलू यहाँ डालने से क्या, आलू अच्छे से हमारे पक जाएंगे। और यहाँ अब ऐड करते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक 1/2 टीस्पून, और मिक्स करते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए हमने दलिए को करीब 3 मिनट के आसपास लो फ्लेम पे चला लिया है, और अब हम इसे आधा ढक के रखेंगे। पूरा ढकने से क्या, इसमें से बबल बाहर आ जाएंगे, तो इसको तरीके से आधा ढक देंगे। यहाँ ढके हुए हो गए हैं पूरे 2 से 3 मिनट, और एक बार से चलाते हैं हम इसे। खुले में ही चलाएंगे कि 2 से 3, अब इसे खुले में चलाएंगे हम 3 से 4 मिनट। और यहाँ पे देखिए खिला खिला दलिया बनकर तैयार है। हमने 4 मिनट करीब इसे इस तरीके से चलाया है, और ये देखिए, और गैस करते हैं बंद। अब इसे मसाला दलिया बनाना बाकी है, आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगता है, हेल्दी हो जाता है, तेल होता नहीं है, बाकी चीज़ों नहीं। हम लगाएंगे इसमें घी का तड़का, मस्त वेजिटेबल डाल के बच्चे मांग मांग कर खाएंगे, पूरा ख़त्म होने वाला है। यहाँ पैन में डालते हैं हम 2 टेबल स्पून घी। घी गर्म होने के साथ ही डालेंगे इसमें हम 1 टेबल स्पून जीरा। यहाँ डालेंगे हम करीब 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें शिमला मिर्च, गाजर थोड़ा सा टॉस करेंगे, और यहाँ डालेंगे हम प्याज। प्याज हम लास्ट में से डालें, हल्का सा कच्चापन रहेगा प्याज का, और कमी ले रहे हैं तो इसको कर लेते हैं टॉस। करते हैं करीब 2 मिनट फ्राई, थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं वेजिटेबल जितना, दलिए में नमक हमने डाल दिया है। यहाँ डालेंगे हम करीब 1 टमाटर, धनिया, इसको ऐड कर देंगे हम दलिए में। इसको मिला लेते हैं एक बार, आया मुंह में पानी। ऐसा दलिया मिले खाने के लिए तो बीमार भी बोलेगा रोज ऐसा ही दलिया चाहिए। थोड़ी मेहनत लगती है अच्छा बनाने के लिए। थोड़ी सी धनिया की डंडी गार्निश करते हैं इस पे। तो फ्रेंड्स दोस्तों बनकर तैयार है चटपटा मसालेदार दलिया। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतने ही, चलिए जो बनाया है बच्चों को खिलाकर खुद खाकर खत्म करते हैं।